हेलो सो नमस्कार, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं यहाँ पर आप सबके लिए मंडी परिषद लोअर पीसेस तैयारी करवा रहा हूँ। आपको पता है कि 30 मई को मंडी परिषद का एग्जामिनेशन है, और मंडी परिषद हो या लोअर पीसेस हो, दोनों में मैथ आना है। आपको पता है 25 क्वेश्चन मैथ तो आना ही आना है। तो मैंने सोचा, काफी सारे लोग रिक्वेस्ट भी करते सर मैथ के भी क्वेश्चन करवा दीजिए, तो अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन इस वीडियो में कराऊंगा। और जब तक आपका एग्जामिनेशन नहीं हो जाता, ऐसे ऐसे मैं कुछ कुछ क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं वो करवा दूंगा, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के पेपर आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आपके मैथ के आते हैं आपके पेपर में, और आप लोग उनको कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका पूरा का पूरा मैथ में कंप्लीट करवा सकता हूं, बट थोड़ी मदद मैं यहां पर कर सकता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपका यहां पर कह रहा है कि यदि दो अंकों की संख्या एक्स से 244 में भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना बचता है? 4 बचता है, तो x का अधिकतम मान क्या होगा? तो सिंपल सा फंडा भाई, यहाँ पर आप इसको ऑप्शन मेथड से लगा सकते हो। क्या करना, देखो यहाँ से मुझे पता है कि शेषफल आपका 4 बचेगा, तो एक काम करते हैं कि इस 4 को पहले इसमें से घटा देते हैं, जिससे शेषफल का कोई फंडा ही ना रहे, जो नई नंबर निकल करके आए वो सीधे सीधे आपका पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर हमने 4 घटाया तो आपका आ गया कितना, 240। अब आपको इस x की वैल्यू निकालनी है। x क्या है? वो दो अंकों की संख्या है जो इससे पूरा पूरा कट जाए, यानी कि 240 से पूरा पूरा कट जाए। तो 100 तो होगा नहीं, क्योंकि आपका 3 अंक की संख्या है। अब आपको या तो 90 होगा, या तो 80 होगा, या तो 40 होगा। अब 90, 80 और 40 में देखो, 90 से 240 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना। अब 80 और 40 में अगर देखा जाए तो 80 से भी 240 कट जाएगा, क्योंकि भैया 240 बटे अगर हम लोग 80 करते हैं तब भी आपका कितना, पूरा पूरा कट गया। अगर हम 240 बटे क्या करते हैं, 40 करते हैं, तो भी आपका क्या, पूरा पूरा कट गया। लेकिन यहाँ पर हम लोग 80 को करेक्ट मानेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अधिकतम मान पूछा है। क्या पूछा है? अधिकतम मान पूछा है। तो अधिकतम मान आपका 80 है, 40 और 80 में 80 बढ़ा है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका सी है करेक्ट हो जाएगा। ये तो मैंने आपको समझाया, थोड़ा टाइम लगा, लेकिन आप लोग खुद बताओ कितना टाइम लगा इस क्वेश्चन को समझाने में। मुश्किल से 10 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो, कर सकते हो नहीं कर सकते हो, चलिए माफ कीजिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि 6479384545xy, यानी कि एक संख्या है और आपको बताना है कि x प्लस वाई का मान होना चाहिए ताकि दी गई संख्या 80 से पूरी तरह कट जाए। अब 80 से कटने का मतलब क्या है कि भैया ये 0 है, तो इकाई अंक यहाँ भी 0 होना चाहिए, तभी तो पूरी तरह कटेगा। तो हमें पता चल गया y का मान तो होगा क्या आपका, 0। अब x का मान क्या निकालेंगे? अच्छा एक बात बताओ, अगर ये पूरी संख्या इसको 80 से भाग दे रहे हैं, ये 0 से ये आपका 0 कट गया, यानी कि y कट गया। अब आपका यही इतना संख्या तो बचेगा, यानी कि x तक ही तो संख्या बचेगी, और उसको भाग किससे देना आपको, 8 से। और 8 से कटने का रूल क्या होता है कि आखिरी के तो जो तीन डिजिट हैं, देखिए 5, 4 और x, जो आपके आखिरी के तीन डिजिट हैं 5, 4 और जो यहाँ पर x लिखा है, वो आपका 8 से पूरा पूरा कटना चाहिए। तो पहला ऑप्शन ले लेते हैं, क्या है, 4 है, तो यहाँ पर हम लेते हैं 4। तो क्या इसको काटते हैं, तो 8 से काटिए भाई, 8 × 6 = 48, और यहाँ पर 8 से सोलह बचा, 6 से सोलह बचा, तो 8 × 2 = 64। तो देखिए पूरा पूरा कट गया, यानी कि 4 रखने पे पूरा पूरा कट जा रहा है। तो x प्लस वाई का जो मान होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, क्योंकि y तो 0 है और 4 प्लस 0 करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। तो आपका पहले आंसर ऑप्शन यहाँ पर आंसर जो है आपका आ गया। 7 रखकर देख लीजिए, 9 रखकर देख लीजिए, 6 रखकर देख लीजिए, आपका आंसर जो है नहीं आएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पर कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, कि यदि किसी संख्या के 33/3 को उसी संख्या में जोड़ने पर वह संख्या 7920 हो जाती है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। रेशियो मेथड लगा दीजिए, बहुत ही आसान है। 33/3% का मतलब क्या होता है, याद रखना, 33/3% का मतलब होता है, इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 1/3। और हमको पता है कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो ओरिजिनल वैल्यू होती है, यानी कि आपका जो ओरिजिनल वैल्यू है वो 3 है। अब कह रहा है यदि किसी संख्या को उस 33/3 को उसी संख्या में, यानी कि इसमें इस 3 को जो 3 में 1 को जोड़ो तो 3 + 1 कितना आ जाएगा, 4। ये जो 4 है वो कह रहा है 7920 हो जाता है, यानी कि 4 की वैल्यू अगर 7920 है तो आपसे कह रहा है वास्तविक संख्या, यानी कि इस वास्तविक संख्या 3 का मान पूछ रहा है, तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 7920 / 4
गुड़े कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। अब क्या करना भाई, इसको काट पीट लेना है, तो काट पीट लेते हैं भाई। 4 से देखिए कटता है कि नहीं कटता है, 4 से काटेंगे तो 4 1 4 3 शेषफल बचेगा आपका यहाँ पर। जी हाँ, 3 4 9 36, और यहाँ पर भी 3 शेषफल, 4 8 32 और 4 9 1980 गुणे 3, 1980 गुणे 3 करेंगे तो 3 8 24, 3 9 27, 2 29 और 3 1 3 और 2 5, तो आपका 5940 यानी कि 5940 ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगर आपको रेशियो मेथड नहीं आता है तो मैंने परसेंटेज एक बार और पढ़ा रखा है, तो आप जाकर इसको वहां पर पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है कि यदि यदि a प्लस बी का 70%, a माइनस बी का 75% है, तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा। कुछ नहीं करना, देखिए ध्यान से, a प्लस बी का 70% यानी कि उसका, माफ कीजिएगा एक मिनट रुकिएगा, तो यहाँ पर देखिएगा, माफ कीजिएगा, यहाँ पर कह रहा था a प्लस बी का कितना भाई, 70%, तो a प्लस बी का क्या आ गया आपका यहाँ पर 70 हो जाएगा, बराबर किसके है, a माइनस बी का 75। अब परसेंट दोनों साइड है तो भाई परसेंटेज से तो मतलब है नहीं, परसेंटेज तो आपका आराम से कट ही जाएगा। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, तो a प्लस बी बटे क्या हो जाएगा आपका a माइनस बी, हमने a माइनस बी को इधर ले आए, बराबर क्या आ जाएगा 75/70। 75/70 को अगर आप थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो 5 से काटिए कितनी बार जाएगा, 15/75, और यहाँ पर 5 से काटिए 14/75, 14 इधर गया तो 14a प्लस 14b बराबर यहाँ पर 15a माइनस 15b, हमने सिर्फ और सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है। अब 14a को इधर लाओ तो सिर्फ a बचेगा, बराबर क्या आ जाएगा 14 और 15 मिलकर के कितना हो जाएगा 29b हो जाएगा। अगर a बराबर 29b आ रहा है तो यहाँ पर कह रहा है कि b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, तो भाई b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, जब a बराबर 29b है तो यहाँ पर सीधे 2900% आपका आंसर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अगर आप इसको निकालना चाहते हो तो आप इसको निकाल भी सकते हो, क्या x बटे 100 गुणे क्या कर दोगे आप लोग, b कर दोगे, बराबर आपका कितना आ जाएगा a आ जाएगा। अब मुझे पता है कि a बराबर क्या है आपका 29b है, तो यहाँ पर 29b रख देंगे, 29b और यहाँ पर क्या है x बटे 100 गुणे b, आप इसको सॉल्व करोगे तो b से b कट जाएगा, 100 का इधर गुणा करोगे तो x का मान कितना आ जाएगा 2900 ही तो आएगा, तो यहाँ पर चाहे तो आप यहीं से सीधे आंसर लिख सकते थे, तो यहाँ पर आप हल कर लिए तो यहाँ पर 29b जो है इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। समझ में आया ना, बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन था और बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं आता, आप इसकी यहाँ से एक आइडिया लगा सकते हो कि आपके मंडी पर्सन में किस तरह का क्वेश्चन आने वाला है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि राजू जो है एक पुराना बल्ला 1230 रुपए में खरीदता है तथा 180 रुपए में उसकी मरम्मत पर खर्च करता है, और यदि वह उस बल्ले को 1128 रुपए में बेचता है तो उसकी हानि क्या होगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो भाई एक बात बताओ, 1230 रुपए में खरीदा और 180 रुपया मरम्मत किया, यानी कि उसकी जेब से इतना रुपया खर्चा हुआ, इसको जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा 1410 रुपया आ जाएगा, तो 1410 रुपया उसने अपनी जेब से खर्चा किया, यानी कि आपका ये हो गया सीपी, और उसको बेचा कितने में, एसपी कितना भैया उसका 1128 रुपया, यानी कि साफ साफ दिख रहा हानि हुई है, कितने की लॉस हुआ है, कितने का लॉस हुआ है भाई, एसपी छोटा है सीपी बड़ा, यानी कि लॉस हुआ है, तो घटा दो 1410 में से 1128 घटाओ तो कितना आ जाएगा 282 रुपया आएगा। अब यहाँ पर पूछ रहा है उसका हानि प्रतिशत निकालना है, हानि परसेंटेज निकालना है, तो प्रतिशत लॉस जब निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, लॉस यानी कि 282 गुणे 100, लॉस गुणे 100 बटे सीपी करते हैं, सीपी कितना है 1410 है, तो यहाँ से 100 कट गया, 141 दूना होता है 282 और 2 × 10 बराबर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, तो लॉस परसेंटेज कितना हो गया आपका 20% हो गया, तो यहाँ पर देखिएगा आपका जो 20% है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पर 20% बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि साधारण ब्याज पर दी गई एक धनराशि से 4 वर्ष में 6000 रुपये तथा 7 वर्ष में 7500 रुपये प्राप्त होता है, तो धनराशि ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना भाई, 4 वर्ष में 6000 प्राप्त होता है और 7 वर्ष में 7500 प्राप्त होता है, यानी कि 7 में से 4 घटाओ तो कितना आ जाएगा 3 वर्ष, तो 3 वर्ष में कितनी धनराशि प्राप्त होगी, तो 7500 में से 6000 घटा दो कितना आ जाएगा भैया 1500 रुपया। तो सिंपल सा फंडा है, हमने क्या किया 3 वर्षों का जो साधारण ब्याज, देखो ये क्या होता है, एक तरीका होता है कि अगर 4 वर्षों में हम लोग को 6000 रुपये मिल रहा है, 7 वर्षों में हम लोग को 7500 रुपये मिल रहा है, तो ये 3 वर्ष का साधारण ब्याज आ गया, 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ गया, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया, कितना आ गया 1500 रुपये आ गया। तो बताओ 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा आपका 500 रुपये हो जाएगा,
यही तो हो जाएगा ना। और हमको एक बात बताओ, या तो हमें 4 वर्ष पता है या तो हमें 7 वर्ष पता है, तो सीधे सीधे चाहे 4 वर्ष वाला लेकर लगा लो या 7 वर्ष वाला लेकर लगा लो। तो अगर 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट आपका SI 500 है, तो बताओ 4 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। सिर्फ सिंपल सा आपको एक ही नियम लगाना है, तो 4 × 5 = 20, 2000 रुपये होगा, 2000 रुपये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब बताओ भैया, 4 वर्ष में अगर कोई धनराशि 6000 रुपये हो रही है, तो बताओ, और 4 वर्ष में हमको साधारण ब्याज कितना मिल रहा है, SI कितना मिल रहा है, 2000। तो आपका जो मूलधन होगा वो धनराशि होगी कितनी जाएगी, जो हमको मिश्रधन, ये 6000 रुपये मिश्रधन ही तो होता है ना, मिश्रधन में से हम लोग क्या घटा देते हैं, ब्याज को घटा देते हैं, तो आपका कितना आ जाएगा, 4000 रुपये आ जाएगा। समझ गए? तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट जो है करेक्ट हो जाएगा। चाहते तो आप 7 वर्ष का भी निकाल सकते थे, 7 वर्ष का निकालते तो यहाँ पर 7 वर्ष बराबर कितना, 7 वर्ष का कितना आ जाता, 7 × 5 = 3500 रुपये आ जाता। अगर 7 वर्ष का 3500 आ गया, तो यहाँ से जब पी का मान निकालते तो 7500 में से 3500 घटाते, और जब 7500 में से आप लोग 3500 को घटाओगे तो खुद बताओ कितना आ जाएगा भैया, 4000 रुपये ही तो आएगा। तो चाहे आप इस मेथड से लगाओ चाहे आप इस मेथड से लगाओ, आपका आना 4000 रुपया ही है। क्लियर हो गया ना? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, यहाँ पर ये क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आता है, देखिए यहाँ पर अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए कि अंडर रूट ए हो गुड़े अंडर रूट ए हो गुड़े अंडर रूट ए हो, मतलब ये आपका यहाँ फिक्स है, कितनी बार गया, 1 2 3 4 5, तो मान लो ये आपका एन बार जाता है, आपका कितनी बार जाता है, एन बार जाता है। तो फॉर्मूला क्या आता है भैया, a^(2)(n-1)/2^n, ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है, a^(2)(n-1)/2^n। तो यहाँ पर देखो a के स्थान पे क्या है, 15 है, तो 15 है, तो यहाँ पर लिखेंगे भैया 15 की पावर लिखेंगे 2^(n-1)। n का मान कितना है, 1 2 3 4 5, 5 है ना, 5 बार गया, तो 5 माइनस कर देंगे 1 और बटे 2^5। अब बताओ 2^5 का मतलब क्या होता है, 32 होता है, और 32 में से 1 घटाओ कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा, यानी कि 15^31/2^5 का मतलब होता है 32, यानी कि सॉरी यहाँ पर 15^31/15^ क्या आ जाएगा, 31/32 आ जाएगा। तो सिंपल सा यहाँ पर आंसर जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना है, यहाँ पर ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि 3^(x+1)/3^(x-1)। देखने में देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन देखिए बहुत ही आसानी से लग जाएगा, कुछ करना नहीं है। 3^(x+1) है ना, तो हमें पता है कि अगर 3^(x+1) है, तो यहाँ पर देखो इसको इतना लंबा करने की जरूरत ही नहीं है, आप इसको ऐसे कर सकते हो, 3^(x) और (×3^1) लिख सकते हो। इसी तरह क्योंकि हमें पता है कि अगर प्लस है तो ये गुणा, यहाँ पर गुणे में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी तरह यहाँ पर 3^(x)/3^1) लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, इसलिए आपका यहाँ पर क्या चला जाएगा, नीचे आ जाएगा, बराबर क्या है आपका 2430 है। अब इसको सॉल्व करो भाई, 3^(x)/3 और (+3^(x)/3) है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सा फंडा भैया, देखो 3^(x) यहाँ भी है, 3^(x) यहाँ भी है, कॉमन ले लेते हैं, 3^(x) अगर हम कॉमन ले लेंगे तो 3+ कितना आ जाएगा, 1/3, क्योंकि यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर 1/3 बचेगा, बराबर कितना है 2430 है। इसको सॉल्व करो, 3 × 3 = 10, यानी कि आपका ये आ जाएगा 3^(x)/3 × 3 = 10, 10/ कितना आ जाएगा 3, बराबर कितना है 2430 है। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 3 उधर चला जाएगा, चलिए इसको यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, अगर 3 उधर जाएगा तो ये 3^(x) बराबर कितना आ जाएगा 243, 243^3। अब हमें पता है कि 243 को हम लोग 3^ क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग 3^5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा फंडा है, ये 3^5 और ये क्या है आपका 3 है, यानी कि 3^(x) बराबर क्या जाएगा 3^6 आ जाएगा। ये देखिए आप चाहो तो इसको जल्दी जल्दी, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप इसको जल्दी से लगा सकते हो। तो यहाँ से बताओ अगर 3^(x) बराबर 3^6 आ गया, तो x का मान कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। अगर माफ कीजिएगा, अगर x का मान 6 हो गया तो बताओ इसका मान ही तो निकालना है, कैसे निकलेगा, अंडर रूट 3^(x/3), यानी कि 6/3, 6/3 का मतलब क्या हो जाएगा 2, और 3^2 का अगर अंडर रूट लगा तो कितना आ जाएगा आपका 3 ही वैल्यू तो आएगी। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं समझ में आया है तो एक बार इस वीडियो को फिर से रिपीट करके, इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करके जरूर देखना, तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है,
रोहन और मोहन की मासिक आय का अनुपात 8:5 है। देखिए ये क्वेश्चन वैसे तो बेसिक से लगाओ कि बहुत बड़ा क्वेश्चन चला जाएगा, पर मैं आपको एक थोड़ा सा लॉजिक समझाता हूँ। अगर आपको लॉजिक समझ में आ जाता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या है। भाई एक बात बताओ, रोहन और मोहन की मासिक आय का अनुपात 8:5 है, उनका मासिक व्यय का अनुपात 5:3 है। क्रमशः ये लोग यहाँ पे कह रहा है कि यदि उन्होंने क्रमशः 12,000 और 10,000 रुपये बचाया है तो उनकी मासिक आय का अंतर कितना होगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बेसिक मेथड से थोड़ा लेंदी होता है। मैं बेसिक मेथड बताऊंगा, पहले आप एक लॉजिक समझ लो। लॉजिक कैसे लगाना भाई, उनकी मासिक आय का अंतर निकालना है। मासिक आय यानी कि ये जो मासिक आय है 8 और 5 है, अगर 8 और 5 का वैसे अंतर बताओ तो कितना होगा, 3 होगा, तीन ही होगा ना, या 8x 5x। मान लो अगर आपको लग रहा है कि भैया 8 5 के मान लिया तो 3x आएगा ना, यानी कि इनका अंतर जो है 3x आ रहा है। तो यहाँ पर जो भी आंसर आएगा मासिक आय का अंतर, वो 3 से तो पूरा पूरा कटेगा, कटेगा ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो 50,000 और 40,000 3 से नहीं कट रहा है, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए ना। अब बचा कौन सा ऑप्शन भैया, ऑप्शन बी ऑप्शन सी। अब या तो 45,000 होगा या तो 42,000 होगा। तो हम चलिए एक ऑप्शन ले लेते हैं, 42,000। 42,000 लेते हैं तो 42,000 पे अगर आपका आंसर यहाँ पर जो चीजें दी गई है, अगर यहाँ पर वो सारी चीजें संतुष्ट हो रही तो बिल्कुल सही है। तो 42,000 अगर हम लेंगे तो बताओ 3x का मान कितना, यानी कि जो अंतर 3x आ रहा है उसका मान कितना है, 42,000 है। यानी कि 3x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 42,000। तो बताओ भाई x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12,000 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ गई, 12,000 आ गई। अगर x की वैल्यू सॉरी 14,000 आएगी, माफ कीजिएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14,000 आएगी। अगर x की वैल्यू 14,000 आ गई तो बताओ क्या बोलते हैं उसकी मासिक आय कितनी हो जाएगी, 14,000 × 8 यानी कि 1,12,000, यही तो आएगी ना। और 5 से निकालेंगे 14 × 5 कितना होता है, 70,000। तो भैया रोहन की मासिक आय अगर हम लोग 42,000 लेते हैं तो रोहन की मासिक आय 1,12,000 और सोहन की मोहन की मासिक आय 70,000 आएगी। अब देखो ध्यान से, हमें इसको संतुष्ट कैसे करना है, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा संतुष्ट कैसे करना। भाई एक बात बताओ कि मासिक व्यय ये है, अगर आय में से व्यय घटाते तो आपका क्या आता है, बचत आता है। तो एक काम करते हैं भैया, आय आपका 1,12,000 आया है, 1,12,000 में से अगर हम 12,000 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, व्यय आ जाएगा। तो रोहन का व्यय कितना आ जाएगा, रोहन का व्यय निकालेंगे तो 1,12,000 में से 12,000 घटाओ कितना आ जाएगा भैया, 1,00,000 आ जाएगा, 1,00,000 तो आएगा। और 70,000 में से भाई अगर 10,000 घटाओ तो मोहन की मासिक बचत व्यय कितना आ गया, 70 में से 10 घटा दो कितना आ जाएगा, 60,000 आ जाएगा। अब देखो जो 10,000 है, 1,00,000 और 60,000 है, क्या इनके अनुपात को संतुष्ट करता है। 5 से देखिए ये कट जा रहा है ना, तो जी हाँ संतुष्ट करता है। 3 से देखिए ये कट जा रहा है ना, तो जी हाँ ये संतुष्ट करता है, क्योंकि ये 5 से कट जा रहा है, 3 से कट जा रहा है। तो यहाँ से हम सिंपल से कह सकते हैं भैया ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 42,000, 45,000 रख करके देखोगे तो आपका जो वैल्यू आएगा वो आपका नहीं कटेगा। तो आपका एक तो तरीका ये हो गया इस क्वेश्चन को लगाने का, ये आपका एक लॉजिकल मेथड हो गया। जो लोग थोड़ा अच्छे से जानते, थोड़ा डिटेल में पढ़े हुए हैं, वो लोग अच्छे से इसको समझ पाएंगे, अच्छे से इस क्वेश्चन को इस तरह से लगा सकते हैं। बट अगर आपने मैथ अच्छे से नहीं पढ़ी है, तो अगर आपको बेसिक भी नहीं पता है तो बेसिक जान लो, इसको बेसिक मेथड से हम लोग कैसे लगाएंगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ इसका बेसिक मेथड, आपको इसको कैसे लगाना है। तो सिंपल सा भाई, बेसिक मेथड से अगर हम इसको लगाएंगे तो उनकी मासिक आय का अनुपात 8:5 है, यानी कि 8x और 5x हो गया। मासिक व्यय का अनुपात 5:3 है, तो 5y और 3y हो गया। उनका क्रमशः बचत दिया गया है, क्या दिया गया भाई, बचत दिया गया, तो 8x यानी कि आय में से अगर हम लोग व्यय घटाते हैं तो आपका कितना जाता है, बचत आ जाता है 12,000। फिर भाई सिंपल सा फंडा है, 5x में से हम लोग क्या घटा दें, 3y घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। अब इसी को सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करते हैं इसको भैया, तो इसमें से किसी एक को बराबर करना पड़ेगा। तो कैसे बराबर करेंगे, ये 3 है ये 5 है, तो इसमें 5 से गुणा, इसमें 3 से गुणा कर देते हैं, इसमें 5 से गुणा कर देते हैं, तो इसमें 3 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा, 24x - 3×15y = 12,36,000। सिंपल सा हल ही करना है, और यहाँ पर कर देते हैं 5 से गुणा, तो 25x - 5×15y = यहाँ पर 10×50,000 आ जाएगा। तो यहाँ पर इनको घटा लो, तो अगर हम लोग घटाएंगे इनको तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कट गया। 24 में से 25 हटाओ तो -x = 36,000 में से 50,000 हटाओ तो भाई सिंपल सा फंडा है, क्या जाएगा, -14,000 आ जाएगा। तो x की वैल्यू देखो यहाँ से भी 14,000 आई, जैसे हमने वहां से x की वैल्यू 14,000 निकाली थी, यहाँ से भी तो 14,000 आई। अगर x की वैल्यू 14,000 आ गई तो 14 8 कितना आ जाएगा भाई,
क्योंकि हमको एक्स से ही मतलब है, वाई से तो मतलब है नहीं, क्योंकि मासिक आय का अंतर चाहिए। तो 14 × 8 करोगे तो 1,12,000 आएगा, और फिर 14 × 5 करोगे तो 70,000 आएगा, 70,000 ही तो आएगा ना। अब 1,12,000 में से जो 70,000 को घटा दोगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, 42,000 आएगा। तो आप चाहो तो इससे लगा सकते हो, तो ऑप्शन जो इसका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो आपका दिमाग है, आप अपने हिसाब से जैसे लगाना चाहते हो क्वेश्चन को आप वैसे लगाओ, कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं डाल रहा है कि हाँ भैया यही मेथड लगाओ। अगर आपको बेसिक समझ में आता है तो आप बेसिक लगाओ, मैं कभी नहीं कहता हूँ कि भैया आप शॉर्ट ट्रिक पढ़ो या शॉर्ट ट्रिक ही लगाओ या लॉजिक ही लगाओ, बेसिक मत लगाओ। जिस पे आपका हाथ बैठ जाता है, जिस पे आपका माइंड सेट हो जाता है, आप उस क्वेश्चन को उसी तरह से लगाओ। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ये आपका आखिरी क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, x बटे x स्क्वायर माइनस 7x है और प्लस 1 है बराबर 1/3 है, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का आपको क्या निकालना है, मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल से तरीके से निकालेंगे। देखो एलजेब्रा से भी क्वेश्चन आता है, मैंने आपको पहले ही जब आपको सिलेबस बताया था तो मैंने आपको बताया था, देखो भाई एलजेब्रा से भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो भी कह रहा है इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 3 है, 3 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 3 × x करो क्या आ जाएगा 3x बराबर, इसका मल्टीप्लाई इधर करो तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। यानी कि 3x को इधर लेकर के आएंगे तो देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर 3x इधर आया तो माइनस 10x और प्लस क्या आ जाएगा 1 = 0, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 = 0 आ गया। अब देखो ध्यान से, यहां से हमको निकालना है एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, देखो सिंपल सा यहाँ पर एक चीज, यहाँ पर एक चीज हम कर सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं क्या, एक्स प्लस 1/x। देखो ध्यान से कैसे मैं किया हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। एक्स प्लस 1/x का मान क्या हम लोग यहाँ पर 10 लिख सकते हैं। अब कहोगे ये कैसे आया सर, देखो भैया 10x को इधर भेज दिया हमने, 10x जो है इधर गया तो यहाँ पर 10x होगा। हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर में x से भाग दिया आपका x आ गया, 1 में x से भाग दिया आपका 1/x आ गया, और 10x जो आपका इधर आया था x से x कट गया तो 10 आ गया। तो ये लाइन देखो हमने सॉल्व करने के लिए सीधे लिख दिया, तो x प्लस 1/x बराबर 10 आ गया, ये चीज समझ में आया। अब हमको क्या निकालना है, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान निकालना है। तो देखो सिंपल सा तरीका होता है क्वेश्चन को लगाने का, कि अगर x प्लस 1/x बराबर 10 दिया गया है तो अगर एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान निकालते हैं, x³ प्लस 1/x³ का मान निकालते हैं, तो सिंपल सा जो आपका ये 10 है तो 10 का क्यूब हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा 10 × 3 हो जाएगा, यानी कि 3 × 10 हो जाता है। तो 10 का क्यूब मतलब 1000 माइनस 10 × 3 बराबर कितना हो जाता है आपका 30, तो 1000 में से 30 घटाओ कितना आ जाएगा 970 आ जाएगा। समझ गए ना, यानी कि अगर x प्लस 1/x बराबर a दिया है तो x³ प्लस 1/x³ का मान आता है a³ माइनस 3a, ऐसे a x स्क्वायर प्लस 1/x² का भी फॉर्मूला होता है, ऐसे सारे फॉर्मूले होते हैं। तो ये रहे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपको यहाँ से एक पैटर्न समझ में आया होगा कि भैया किस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करो, और अब मैं कोशिश करूंगा कि आपको जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने टाइप के क्वेश्चन है वो मैं आपको कवर करवा सकूं इस वीडियो के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग बने रहिए, वीडियो को सपोर्ट करते रहिए, चैनल को भी सपोर्ट करते रहिए, जिससे मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लेकर आता रहूं। और आप लोग बताइए कि मैथ के और वीडियो आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, और आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। और अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।